नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष को बेशर्म कहकर भाजपा विधायकों ने लोकतांत्रिक मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। इनके इस करतूत ने आज पूरे राज्य को शर्मसार कर दिया है। यह बिहार की राजनीति के लिए काला दिन है। इसके लिए बिहार की जनता इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि भाजपाइयों को यह बताना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा उन्हें इसी तरह के निंदनीय काम करने की ट्रेनिंग देते हैं। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। ओंटारियो प्रांत के विडंसर शहर में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और नफरत भरे नारे भी लिखे गए हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार घटना के मद्देनजर दो संदिग्धों की तलाश है। विंसर पुलिस अधिकारियों की माने तो बीएपीएस श्री स्वामी नारायण मंदिर के बाहर दीवार पर भारत विरोधी नारे काले रंग के पेंट से लिखे गए हैं। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता का विवादित बयान सामने आया। अजित शर्मा ने कहा है कि देश के ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे, देश में 90% मुसलमान कन्वर्टेड हैं। इतना ही नहीं, एमएलए अजित शर्मा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा है कि भगवा पर सिर्फ बीजेपी का एकाधिकार नहीं है। मुस्लिम समुदाय ने एक प्रतिनिधिमंडल ने 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह के कई मुद्दों पर बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में हाल ही में रामनवमी के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर भी बात हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने आनंद कुमार का अभिवादन स्वीकार किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मानित होने के बाद आनंद कुमार ने कहा है कि जमीनी स्तर के लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,744 करोड़ रुपए में से 17,050 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की योजना बनाई है। यह फरवरी में घोषित मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर का उत्पादन करने के लिए कुल 17,490 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है। इसमें से 4,440 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए आवंटित किए जाएंगे। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का एजेंट कहने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार को ओवैसी ने जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के साथ हमेशा रहकर मलाई खाई नीतीश कुमार ने और अब हमें ही एजेंट करार दे रहे हैं। भाजपा जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इनकी संस्कृति परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की रही है, जबकि बीजेपी की राजनीतिक संस्कृति प्रत्येक देशवासियों को साथ लेकर चलने की है। बिहार में जातीय गणना के दूसरे चरण का काम जल्द ही शुरू किया जाना। उससे पहले बिहार के सभी जातियों के लिए कोड जारी किया गया, जिसको लेकर जमकर चर्चा हो रही है और इसकी खामियों के बारे में भी बताया जा रहा है। जहां नीतीश कुमार कोड को लेकर खुश नजर आ रहे हैं, वहीं भाजपा को यह रास नहीं आ रहा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश सरकार संविधान के विपरीत जाकर काम कर रही है। देश में बिजली उत्पादन हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 33 साल में सबसे तेज गति से बढ़ा है। इसी दौरान कोयले से चलने और नवीकरणीय संयंत्रों दोनों से उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में बिजली उत्पादन 11.5% से बढ़कर 1,591.11 अरब किलोवाट पहुंच गया है। यह मार्च 1990 के बाद 33 साल में सबसे तेज बिजली उत्पादन है। देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 5,000 से भी ज्यादा यानी 5,335 मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा बीते 195 दिनों में सबसे ज्यादा। इससे पहले पिछले साल 23 सितंबर को 5,383 मामले सामने आए थे। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या 25,587 हो गई है। इस दौरान 13 लोगों की जान गई है, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र में दो और केरल, पंजाब के एक एक मरीज की मौत हुई है। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने यह बात बुधवार को अपनी किताब आजाद के विमोचन के मौके पर कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि कई अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस राहुल गांधी के कारण ही छोड़ी है, क्योंकि वहां रहने के लिए रीढ़ विहीन को होने की जरूरत होती है। इन्फॉर्मेशन चोरी करने वाला मेलवेयर, जो आमतौर पर ईमेल के जरिए डिलीवर किया जाता है, रैकून स्टीलर का इस्तेमाल सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ केंद्र सरकार की 8 संस्थाओं को टारगेट करने के लिए किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हाल ही में इस मेलवेयर से अफेक्टेड हुई एजेंसियों को दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के एक स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 24 मार्च को प्रभावित एजेंसियों को अटैक की सूचना दी गई है।
रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों का बजट बेकार कर रख दिया है। काफी लोगों ने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक यूज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा प्रदूषण की मार से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने पेट्रोल डीजल की निर्भरता कम करने की योजना तैयार की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तो यहाँ तक कहना है कि इसी साल वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहन मार्केट में आ जाएंगे, जिसके बाद काफी हद तक पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर रहा है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक हवाई अड्डे पर इस दौरान 5.94 करोड़ से ज्यादा यात्रियों का आवागमन हुआ। एसीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9.37 करोड़ यात्री सीट्स पर रहा। आप नई और पुरानी टैक्स रिजीम में किसे चुनना पसंद करेंगे, अब ये सवाल आपसे आपकी कंपनी करेगी। इस मामले में आयकर विभाग ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक एम्प्लॉयर्स यानी कंपनी को अपने कर्मचारियों से ये पूछना होगा कि वे चालू वित्त वर्ष कौन सी टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं। दरअसल लोग जिस भी टैक्स रिजीम को चुनेंगे उसी हिसाब से कंपनी उनका टीडीएस काटेगी। इसी के आधार पर कर्मचारियों को सैलरी भी दी जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार और योग नगरी ऋषिकेश की सूरत बदलने वाली, यहाँ की ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करते हुए सरकारी रीडेवलपमेंट प्लान ला रही है। वहीं रायपुर में कैपिटल सिटी और जेली ग्रांट में एरो सिटी निर्माण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ने लगी है। मैकेंजी ग्लोबल ने हाल ही में इस बदलाव का प्रस्तुतिकरण भी दिया। इसके तहत कृषि भूमि का अधिग्रहण कर उस पर ग्रीन फील्ड टाउन शेप विकसित करने की भी योजना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय असम दौरा शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति 8 अप्रैल को असम में तेजपुर वायुसेना स्टेशन से Sukhoi-30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगे। इससे पहले 2009 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने फ्रंट लाइन के लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। राष्ट्रपति मुर्मू के 6 से 8 अप्रैल तक असम के दौरे पर रहेंगी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। G7 देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप $60 प्रति बैरल कर दिया और भारत उससे भी कम कीमत पर रूसी तेल खरीद रहा है, जिससे भारत को अपने घरेलू बाजार में तेल की कीमत स्थिर रखने में मदद मिल रही है। गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती की तैयारी को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की। इसके तहत राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, त्यौहार को शांतिपूर्वक पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कार्य की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। दरअसल रामनवमी पर बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा के बाद से केंद्र सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है। इससे पहले भी सभी राज्यों को त्यौहार के दौरान कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री प्राप्त करने वाले सभी विशिष्ट व्यक्तियों को बधाई दी है। शाह ने ट्वीट किया है कि उन विशिष्ट व्यक्तियों को बधाई जिन्हें आज पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बुधवार को कुल 52 पुरस्कार विजेताओं को सम्मान दिया गया। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 5 को पद्म भूषण और 45 को पद्मश्री से नवाजा गया है। अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को 22 मार्च को पुरस्कार दिए गए थे। 5 अप्रैल 2023 को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। 35 मिनट की यह उड़ान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरपोर्ट से की गई है। इस ट्रेनर विमान को LCA ट्रेनर नाम भी दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी लिफ्ट भी कहते हैं, यानी इसका मुख्य उद्देश्य फाइटर जेट की ट्रेनिंग देना, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे हवा से जमीन पर भी हमला कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 6 माह में 7 जज सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में 7 रिक्तियां पैदा हो जाएंगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय कोई रिक्त नहीं है। अधिकृत जजों की संख्या 34 है, जो इस समय पूरी है। फरवरी में एक साथ 7 जजों की नियुक्ति होने से सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियां समाप्त हो गई थी। रिटायर होने की कड़ी में सबसे पहले मई में जस्टिस एमआर शाह और दिनेश माहेश्वरी का नाम है। इनके बाद जून में जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी और वी रामा सुब्रमण्यम सेवानिवृत्त होंगे। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि पाठ्य पुस्तकों में हालिया बदलाव किसी को खुश करने या नाराज करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि ये विशुद्ध रूप से विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशों पर आधारित है। सकलानी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि एनसीईआरटी अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर सभी कक्षाओं के लिए नई किताबें लाने जा रही है। एनसीईआरटी के प्रमुख के अनुसार न केवल इतिहास की किताबों में बल्कि अन्य सभी विषयों में बदलाव किए गए ताकि छात्रों का बोझ कम किया जा सके। देश भर की सभी सड़कों पर, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या नेशनल हाईवे या फिर गांव की रोड, वाहन चलाने की स्पीड सभी पर तय है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की स्पीड तय कर रखी। ये स्पीड अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए अलग अलग है, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार के पास इसका प्रपोजल तैयार हो गया। इस महीने के अंत में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में होने वाली राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक में इस मामले पर चर्चा होने की संभावना है।
भारत ने साल के शुरुआत में पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था। भारत ने इस नोटिस के माध्यम से सिंधु जल संधि में संशोधन की बात कही थी। 62 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की थी। नोटिस जारी होने के बाद लगभग 4 महीने बाद पाकिस्तान की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। मुमताज ज़हरा ने कहा है कि पाकिस्तान नेक नियत से संधि को लागू करने और अपने जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन की बढ़ती हरकतों के बीच केंद्र ने डिफेंस फोर्सेस के इमरजेंसी पावर्स को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद रक्षा बल चीन सीमा के लिए हथियार खरीदने के लिए अपने लंबित अधिग्रहण को पूरा कर पाएंगे ताकि सुरक्षा बलों की तैयारी को और मजबूत किया जा सके। रक्षा सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों की अवधि को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सेना हथियार खरीदने में सक्षम होंगी जिसके लिए पहले ही टेंडर जारी किया जा चुका है। कांग्रेस ने गुरुवार को कतर द्वारा नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को हिरासत में लिए जाने पर चिंता जताई और सरकार से जानना चाहे कि वह 7 महीने बाद भी उनकी रिहाई की मांग क्यों नहीं कर सकी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि यहां तक कि पूर्व नौसैनिकों के साथ गिरफ्तार किए कतर के नागरिक को रिहा कर दिया गया लेकिन भारतीय अधिकारी भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद दिल्ली आबकारी नीति मसले पर सीबीआई से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में दिल्ली सरकार की आबादकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच अब अमेरिका और भारत ने मिलकर ड्रैगन को घेरना शुरू कर दिया और इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है फिलीपींस। फिलीपींस ने इसी साल अमेरिका को अपनी जमीन पर सैन्य निर्माण करने की इजाजत दे दी और अब भारत अपने रक्षा अधिकारियों की तैनाती फिलीपींस में कर सकता है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना बन गई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय चौधरी, रविशंकर, बाबूलाल मरान, डीएमडी साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, त्रिलोक कुमार, अंशुप्रिया और नौशाद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, एनसीईआरटी अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर सभी कक्षाओं के लिए नई किताबें लाने जा रही है, आपके अनुसार बच्चों के लिए यह कितनी मददगार रहेगी? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।